आ गया मेरा शहजादा बेटा। शिकस्त खा कर आए हो या देकर? ईदड़ों के बिल में शेर गिरा कर आया। सारी रोमांस का सपना नाश कर दिया आकर। ये हुई ना बात। आज के बाद हमारी जमीनों पर नजर नहीं उठाएंगे। लेकिन अगर फिर भी बात ना बने तो? फिर मलिक मुख्तार को उसका बेटा प्यारा नहीं। शाबाश मेरे बहादुर बेटे, सलामत रहो। ये क्या हो रहा है? मुत्तसिम को पानी दे रही थी। क्यों, घर की सारी मुलाजमाएं मर गई हैं क्या? मां बेगम कोई नजर ही नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा मैं ही दे दूं। तुम अपने सर पर दुपट्टा जमाना तो सीख लो पहले, फिर कुछ और काम करना। कर लो बादशाही सलमा बेगम, एक दिन तो ये तख्त मेरे नसीब में ही होगा, चाहे मांग कर या छीन कर। इस बार बर्थडे कहाँ मनाओगे तुम अपनी मीरा? हैदराबाद, अपने भाई घर में और कहाँ। क्या मतलब है? मतलब तुम इस बार भी हमारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करोगे? विश तुम लास्ट ईयर भी चली गई थी अपने गांव और इतने दिनों बाद आई थी, इस बार रुक जाओ। क्या है कि बाबा चाहते हैं कि मैं फ्रेंड्स के बजाय फैमिली के साथ सेलिब्रेट करूं, इसीलिए हर दफा। मेरे लिए तुम क्या चाहती हो ये इम्पोर्टेंट है, तुम बताओ, हमारे साथ या वहां जहां पे तुम्हारी किसी के साथ कोई कंपैटिबिलिटी नहीं बनती। फोर्स तुम लोगों के साथ यार, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन मीरा अपने बाबा को मना नहीं कर सकती। मीरा इधर देखो, इधर देखो, इस बार रुक जाओ प्लीज, मेरी खातिर। अच्छा हमारी 2 साल पुरानी नई नई दोस्ती की खातिर रुक जाओ प्लीज प्लीज मीरा, प्लीज प्लीज। अच्छा चलो ठीक है ठीक है, तो इस बार मीरा की बर्थडे की सेलिब्रेशंस मेरी तरफ से, एंड आई एम टेलिंग यू मीरा, तुम ये बर्थडे कभी नहीं भूलने वाली। अच्छा देखते हैं।